जी आपका भी स्वागत है हमारे शेड पे, हमारा स्वाभिमान में। बहुत अच्छी पिक्चर बन रही है जिसका नाम है हमारा स्वाभिमान, जिसका टाइटल इतना अच्छा है, उसका पिक्चर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और मुझे बहुत ही खुशी हो रहा है कि मैं इस पिक्चर की पार्ट हूँ और हम लोग कर रहे हैं, सो मज़ा आ रहा है। किरदार की बात की जाए तो डिंपल किस तरह नजर आएंगी दर्शकों पर, जादू किस तरह चलाने वाली हैं? जैसे डिंपल रियल लाइफ में है वैसे पिक्चर में भी आएंगी, चुलबुली सी, नटखटी सी, छेड़ती रहने वाली। अब तक सेट पे कितने लोगों को छेड़ा है आपने? सेट पे तो अभी किसी को नहीं छेड़ा है मैंने, बहुत मतलब ऑफ कैमरा बहुत मतलब सही रहती हूँ, नहीं यार ऐसा ऑन कैमरा देखिए, ऑन कैमरा देखिएगा क्या होगा। पवन जी के साथ गाने में धूम मचाने वाले, फिर होली का गाना धूम मचाया, अब पूरी फिल्म उनके साथ कर रही है। हाँ ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे इंडस्ट्री की पावर स्टार पवन जी के साथ फिल्म करने का मौका मिला मुझे, और ये पवन जी के ही वजह से मिला, क्योंकि मैं सैया साइको का मुहूर्त हुआ था उसके बाद चंदमड़ी सर का फ़ोन आया कि आप डिंपल जी बोल रही हैं, हमने कहा हाँ, पवन जी का रिक्वायरमेंट आया है कि आपको हमारा स्वाभिमान में रखा जाए। तो बहुत खुशी हुआ कि पवन जी ने कुछ देखा और समझा कि नहीं करने लायक है, तो बोला और पिक्चर कर रही हूँ आज उनके साथ। अच्छा लगा, मतलब कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला। जैसे गाना में ऐसा होता है कि दो ही गाना हम लोग का अभी आया है, मीठा मीठा बथेगा मरिया और लहे लहे रंगम सलवरवा। तो जैसे पवन जी छेड़ रहे लहे लहे रंगम सलवरवा में, वैसे मैं छेड़ूंगी इस पिक्चर में उनको। गाने का एल्बम बदला आपने निकाला? हां बदला निकालूंगी, फिल्म में छेड़ती रहूंगी। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात की जाए तो क्या? फिल्म के प्रोड्यूसर है हमारे राम शर्मा जी और डायरेक्टर है चंदमड़ी शर्मा जी, शर्मा ही है ना सर। तो ये दोनों बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और प्रोड्यूसर साहब की तो बात करें तो आप लोग खुद देखे होंगे, उनको मिले भी होंगे, बहुत अच्छे हैं। और एक होता है ना कि केयर करने वाला, और डायरेक्टर सर भी बहुत अच्छे हैं चंदमड़ी सर, वो भी केयर करते हैं, हंसाते हैं, बोलते बेटी बोलते मुझे कि तुम मेरी बेटी हो, मैंने कहा ठीक है। पोलैंड के नागरिक भारतीय मूल ने बिहार के रहने वाले राम शर्मा जी भोजपुरी फिल्म बना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? और सुनने में आया कि फिल्म जो है वहाँ पोलैंड और विदेशों में रिलीज होगी। बहुत खुशी की बात है हम सभी के लिए कि उन्होंने ऐसा हम सबको समझा इस लायक और पवन जी को लेके बनाया ये पिक्चर, और उस फिल्म का होता ना कि हिस्सा हम सब भी है, तो खुशी की बात है कि हम लोग की पिक्चर यूपी, बिहार, झारखंड एंड ऑल इंडिया, फिर इंडिया से भी बाहर रिलीज़ होगा, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इसके अलावा और कौन क्या प्रोजेक्ट आपके हैं? इसके अलावा बहुत सारी पिक्चर है लाइनअप, सो बताऊंगी उसका भी खुलासा करूंगी पहले इस पिक्चर का। सिंगिंग से एक्ट्रेस का जो सफ़र रहा है क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से सफ़र आपका रहा और शुरुआत कैसे हुई सिंगिंग की, फिर एक्टिंग के कारण कैसे आना हुआ? मैं तो सिंगिंग करती नहीं थी 2015 में, एक्टिंग करती थी, थिएटर करती थी, तो कोई भी ऐसा गाना गुनगुनाना नहीं होता था, तो कोई बोलता था कि गाना गा, तो मैं गाना गाती थी, वही बेसुरा, मैं अच्छी सिंगर नहीं, प्रोफेशनल हूँ नहीं, बट गा लेती हूँ थोड़ा बहुत अपनी खुशी के लिए, दर्शकों के खुशी के लिए। सो गायकी की शुरुआत कब से किया? गायकी का शुरुआत मैंने 2015 से किया था, और पहला गाना मेरे को याद नहीं है, पहला गाना संजीवनी से रिलीज़ हुआ था, जो कि मतलब ऐसे ही मैंने गाया था, एक होता है ना कि हाँ चलो चलो ठीक है गा लो, उसका लिंक आपको भेजूंगी मैं। सारे ऑडियंस को लिंक भेजेंगे। तो कौन सा गाना आपकी जो सिंगिंग की और हिट रहा हो, ज़्यादा आपको फेम मिला हो? मेरा होली का गाना 2019 का, जो कि काफ़ी ज़्यादा हिट रहा, जो कि पिंक म्यूजिक भोजपुरी से रिलीज़ हुआ था। एक हुआ था डिम्पल का डांस हिट है, और एक था भगुने में मैं गाना, जो कि ट्रेंडिंग में आया था, तीनों गाना मेरा। क्या गाना था डिंपल का डांस, डिंपल का नहीं डिंपल का डांस नहीं हिट है। वो था कि अरे यार भूल गई मैं गाना, रुक जाइए आप, याद ही